नदी शाश्वत है, शाश्वत था, शाश्वत रहेगा। आज गांधी केवल भारत के ही नहीं है, गांधी के देश के नाम पर जाना जाता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे देश का कोई भी प्रधानमंत्री। गांधी दुनिया के लिए आवश्यक है, गांधी की नीतियां दुनिया के लिए आवश्यक है। चाहते तो गांधी जी आजादी के लिए उस समय गरम दल के प्रभाव में आकर के भी हथियार उठा सकते थे, लेकिन गांधी सत्याग्रह का एक प्रयोग कर चुके थे दक्षिण भारत में। सच, अहिंसा और सत्याग्रह ऐसे तीन अमोघ अस्त्र हैं जो आज भी दुनिया के अंदर किसी बंदूक बुलेट की गोली से भी ज्यादा ताकतवर। और सीधा सीधा उदाहरण अभी है, आज 2 अक्टूबर का दिन है, जननायक अशोक गहलोत जी ने अपने पिछले शासनकाल में गांधी की रीति नीति को जानने के लिए गांधी वाटिका बनाई थी टॉप रोड पर, और भारतीय जनता पार्टी की वजह सरकार ने आते ही कह दिया था उसको हम चालू नहीं करेंगे। सत्याग्रह का एक नारा दिया जननायक अशोक गहलोत जी ने और गांधी दर्शन समिति ने, और पूरे राजस्थान में वो वायरल हुआ। और आज सत्याग्रह की ताकत पर हमको करना ही नहीं पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार जानती थी कि लाखों कार्यकर्ता जयपुर की सड़कों पर आएंगे, कैसे भी आए। मैं भजन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज गांधी जी के जन्मदिन पर उन्होंने टोंक रोड वाली गांधी वाटिका को चालू किया। देश में गए 10-11 सालों से जो नफरत का एक वातावरण चल रहा है, जो बेरोजगारी का वातावरण चल रहा है, जो महंगाई का वातावरण चल रहा है, और उन सबको लीपा पोती करने के लिए नफरत फैलाने की जो सुनियोजित चढ़न पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम चल रहा है, उसमें भी गांधी का अनुयायी राहुल गांधी इस देश में हजारों किलोमीटर अपना पैदल यात्रा करता है और एक ही संदेश देता है, डरो मत, प्यार की दुकान खोलेंगे, नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलेंगे। आज भी हम सब कांग्रेस के साथी, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऋणी हैं, हमारी आने वाली हजारों पीढ़ियां ऋणी रहेगी कि आपने हमें जो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का रास्ता दिखाया उस पर हम दुनिया की बड़ी से बड़ी सैन्य ताकत को हरा सकते हैं। लेकिन इस अवसर पर मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हम सब कांग्रेस के साथ ही नमन करेंगे। 65 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, 62 के बाद 65 में हम हारे थे चीन से, 65 में वो 4.5 फीट के छोटे से लाल बहादुर शास्त्री लाहौर पर कब्जा कर लिया था। ये भारतीय जनता पार्टी और इसकी ये जो व्हाट्सएप फैक्ट्री को नहीं मालूम, वो पैदा ही नहीं हुए थे, लाहौर पर भारत की सेना ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने भी एक नारा दिया था अरबाज, उस समय अन्न की कमी थी भारत में, उन्होंने देश के करोड़ों लोगों के नारा दिया, सोमवार का व्रत रखो, और स्वतः ही देश के करोड़ों लोगों ने एक समय का भोजन उन्होंने त्याग दिया। हम उस समस्या से भी उभरे और भारत ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई छोटे से प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाला, और आज भी और आने वाली पीढ़ियों को हम सबको आगे प्रेरणा देता रहेगा। हम सब कांग्रेस के साथी आज दोनों महापुरुषों को नमन करते हैं और हम प्रतिज्ञा लेते हैं, संकल्प लेते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह पे चलेंगे। और जो अपरिग्रह का उन्होंने हमको अपरिग्रह का सिद्धांत दिया उस पे चलेंगे, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो सैन्य ताकत हमें दी, हम उनको भी नमन करते हैं, उनके भी रास्ते पे चलेंगे। आज हम सब प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में आए, हम शहर के साथी हैं, हम सब ने, शहर वालों ने संकल्प लिया कि गांधी दर्शन को आगे बढ़ाएंगे, गांधी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम डरेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। आज के दिन हम यही संकल्प। अरे भाई, पहले तो कर दिया गया था, पहले तो घोषणा कर दी, फिर उसको निरस्त कर दिया, यही तो अंतर है। दुनिया मतलब अगर नरेंद्र मोदी जी भी दुनिया के बाहर जाते हैं, वो विश्व गुरु बन चुके कथा कथित, वो अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, वहां के लोग भी कहते हैं गांधी के देश का प्रधानमंत्री है। अगर आप गांधी के नाम पर राजस्थान विश्वविद्यालय
क्योंकि कुलपति हमारे राज्यपाल होते हैं, उनके दबाव में वहाँ के रजिस्ट्रार पहले तो छुट्टी का अवकाश का घोषणा कर देते हैं, फिर अवकाश वापस ले लेते हैं। तो ये जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, ये गांधी को गोडसे के मुकाबले खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन गोडसे के सिद्धांतों पर चलने वाले गांधी का मुकाबला कभी कर ही नहीं पाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया मानती है अमेरिका जैसे देश में भारत से ज्यादा मूर्तियां लग रही है, इसलिए गोडसे और गांधी में हमेशा अंतर रहेगा। हम गांधी के मानने वाले, गोडसे के मानने वाले कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, करने दो, जनता जानती है और हम सब गांधी के अनुयायी, हम गांधी जी के सिद्धांतों को मानते रहे। नौ महीने से ये आंख देख नहीं पा रही सरकार, सुन नहीं पा रही सरकार, बोल नहीं पा रही सरकार। वो तो किरोड़ीलाल मीणा ने कहा जैसा, आजकल जो किरोड़ीलाल मीणा मेरे को समझ आया तो वो मंत्री हैं या नहीं, उन्होंने कहा ऐसा हो गया, मैंने मंत्री जी को बता दिया था, मुख्यमंत्री जी को सितंबर में, फिर अक्टूबर में क्यों उनको हटाना पड़ा, लाखों रुपए लेकर के। ये किसी के भी शासन में हो, मैं इसमें दलगत राजनीति ही नहीं मानता। छोला छाप डॉक्टर दसवीं पास बारहवीं पास को अगर MBBS मान करके अगर नौकरी देती तो वो श्रीमान जी जो हैं उनको जेल की शिकंजों में नहीं, उनको तो और कड़ी सजा मिलनी थी। और मैंने सुना वो भास्कर जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार से उन्होंने 10 लाख रुपए लेकर के उस मामले को दबाने की कोशिश करी। इसका मतलब ये सरकारें बदलती है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, पर्ची मुक्त भारत कहने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की वजन सरकार में जम करके लूट हो रही है। ये अधिकारियों का रोल ट्रांसफर हो रहे हैं, IPS एक दिन में 4 बार बदला जा रहा, RS एक दिन में 3 बार बदला जा रहा, क्या है ये, किसके कहने से हो रहे हैं। जिलों के लिए आपने कमेटी बना दी, आप रिवाइज कर नहीं पा रहे। थानेदारों की भर्ती के लिए आपने फिर कमेटी बना दी, SIT की रिपोर्ट, वो कह रहे थे बड़े मगरमच्छ आएंगे, एक मगरमच्छ का तो आप नाम नहीं ले पाए। अब SIT ने रिपोर्ट दे दी तो मंत्रिमंडलीय समिति बना दी, तय करेंगे कि थानेदार की भर्ती रखेंगे या नहीं रखेंगे। सवाल है कि हर मामले में कमेटी, जिलों में कमेटी, तो सवाल है दिल्ली से कोई फैसला होगा, ये भजन सरकार और इनके मंत्री अपनी स्वविवेक से तो कोई निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए ये सारे घपलेबाजी चलते रहेंगे, ना कोई मगरमच्छ पकड़े गए, वो रजिस्ट्रार साहब जरूर पकड़े गए, उनको आपने सस्पेंड किया तो सस्पेंशन कोई इलाज है क्या, टर्मिनेट करते, नौकरी से निकालते, खोले आप वार्तालाप है 10 लाख रुपये दे दूंगा, पत्रकार से लेन देन की बात करें, फिर बचा क्या है। ये पर्ची मुक्त भारी, ये पर्ची वाली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, ये शासन दिल्ली से चल रहा है। जैसे राम जी के राज में भरत जी चला रहे थे, ये मोदी जी के भरत हैं, जैसे भी चलाएंगे, आदेश वहां से आएगा, सरकार चल रही है। ये राजस्थान का 8 करोड़ जनता का दुर्भाग्य है कि स्वविवेक वाली सरकार चल नहीं रही, हालात बद से बदतर हो रहे। राजधानी की सड़कें, सड़कों में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क है। कल त्योहार शुरू हो रहा है, नवरात्रे, दशहरा आएगा, दीपावली आ रही, 4 दीवारी, मतलब करो राजस्थान की राजधानी जहाँ पर आप सम्मिट कराना चाहते, दुनिया के बड़े उद्योगपतियों को लाना चाहते, इन सड़कों पे घुमाओगे क्या, सालों की रीढ़ की हड्डी में आ जाएगी चोट। लाखों करोड़ का MOU कराए दिल्ली में, कागजों में कराए थे, फिर आएगा कितना इन सड़कों पे आएगा क्या। हम कह रहे हैं पानी दो, बिजली दो, सड़कें ठीक करो, पेट्रोल डीजल के दाम हरियाणा की तरफ से करो ना, राजस्थान में सबसे महंगा अशोक गहलोत के शासन में, आज कौन सा शासन में कमी है। आपने वादा किया था कि हरियाणा में जो पेट्रोल डीजल के दाम है हम राजस्थान में लागू करो ना। अभी जो भारी बारिश हुई आपने किसानों को मुआवजा गिरदावरी कराई, नहीं मुआवजा दे दिया क्या आपने, न किसानों को लाभ, न नौजवान को लाभ, न नौकरी दे रहे हो, न बेरोजगारी कम कर रहे हो, न महंगाई कम कर रहे हो। सब्जियों के दाम आकाश आसमान में उड़ रहे हैं, प्याज 400 रुपये किलो मिल रहा है, फिर कौन सी सरकार चल रही है राजस्थान में। बदल देंगे वो एक एडवर्टाइज देता, सारे बल्ब बदल दूंगा, कुछ नहीं बदल पा रहे, ये तय नहीं कर पा रहे। किरोड़ीलाल हमारे मंत्री हैं नहीं है, वो कह रहे थे मदन राठौड़ जी ने कह दिया इसलिए चले गया। अरे संविधान की शपथ लिया आपने लाखों लोगों के सामने, मैं राजस्थान का मंत्री कैबिनेट, मदन लाल जी ने आपको, मदन राठौड़ ने दिलाई थी क्या शपथ, संविधान के अनुसार आपको राज्यपाल महोदय ने दिलाई थी, हम मंत्रिमंडल के साथी हैं और आज भी विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, खुद ही पोल खोलेंगे अपने मंत्रियों की। तो ये सरकार है, ये सरकार नहीं है,
इसका फैसला तो इनके मंत्रिमंडल के साथ ही तय करेंगे।